इसकी फिलहाल गर्म बहुत है, काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। ओ भाई मैंने सोचा यार कहीं ढक्कन ना पिलक जाए। दोस्तों आपको ये जो मेरा हाथ में डिब्बा दिख रहा है, दोस्तों आप लोग बोलोगे यार आरिस भाई आज आप इस डिब्बे का क्या करने वाले हो, तो भैया मैं आपको बता दूं आज इस डिब्बे की मदद से बनाने वाले हम दुनिया का सबसे छोटा वाटर हीटर यानी कि गीजर। तो दोस्तों इससे हम बड़े आसान तरीके से पानी को गर्म कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से, बड़े ही नॉर्मल तरीके से, और ये पानी जो है बड़े कम टाइम में गर्म कर देगा। तो आइए इसको बनाने के लिए किस किस तरीके का इस्तेमाल करने वाले और क्या क्या इसके अंदर जो प्रोजेक्ट लगाने वाले, इसको कोई भी बच्चा बड़े आसानी से बना लेगा। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट कर दे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब कर क्या रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और बराबर में दिए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए गीजर बनाने के लिए इस तरह के डिब्बे को ले लेना आप किसी भी कबाड़ की दुकान से या फिर आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा। आप कहीं भी कबाड़ पे जाएं और इस तरह के डिब्बे को उठा लाएं। तो दोस्तों उसके बाद हमें इस तरह के एलिमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ये देखिए ये हमारा आयरन सोल्डर जिसको हम लोग काये बोलते हैं, ये भी हमने कबाड़ में से लाए, ये पूरा का पूरा जो है डैमेज है, खराब हो चुका है। तो यार मैं आज इस काये की मदद से और इस डिब्बे की मदद से बहुत ज़्यादा अच्छा गीजर बनाने वाला हूँ, जो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बस क्या करेंगे इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें बिना स्किप किए, तभी आपके समझ में आएगा, वरना आप लोग बोलेगा यार इस भाई आपका वीडियो काम नहीं करता है। आप लोग क्या करते हैं और इसको स्किप करके भाग जाते हो, फिर आप लोग डॉट में रहते हो कि वीडियो किस तरीके से बनाया, आपकी एक भी स्टेप जो होती है वो दिक्कत कर देती है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, काफी अच्छी तरीके से आपको मजा आने वाला है। ये जो गीजर है बिल्कुल दुनिया का सबसे छोटा गीजर होने वाला है और काफी ज्यादा अच्छा इसका जो लुक है लास्ट में लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए आपने काये को देख लिया, इस तरह का आयरन सोल्डर होता है तो यहाँ पे तीन स्क्रू होते हैं। ये देखिए तो करना क्या है, इस तरह के तीन स्क्रू को यहाँ से ओपन करके मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ पूरी तरह से इसको क्या करना होता है। तो फिलहाल अभी मैं इसको नहीं खोलने वाला, मैं इसको रख देता हूँ साइड से। और अभी हमारे जो इस तरीके ढक्कन नहीं है, देखिए ये डब्बा को ले ले, इसका ढक्कन जो है उसको यहाँ से ओपन कर देना अच्छी तरीके से। और आपको क्या करना है, ये दवाई का डिब्बा मैंने फिलहाल इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे धुलकर साफ कर लिया है, आपको भी इसी तरह से ले लेना है। ये देखिए तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक यहाँ पे होल करने वाला हूँ छोटा सा, जिससे यार हमारे ये साइज देख सकते हो आप, इस तरह का ये साइज है उसके अंदर आराम से आ जाए। तो चलो यहाँ पे होल करके और यहाँ पे लगाने वाले एक छोटी सी टंकी, जिसका जुगाड़ आप अपने आप बनाएंगे किस तरीके टंकी बनाना, आप देखते रहे, टंकी भी काफी अच्छी तरीके से उसको बनाने वाले, वो भी अपने हाथ में पूरी की पूरी होममेड। तो चलो एक बार यहाँ पे इसको सुराख कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल मैंने इसके अंदर होल कर लिया, आपको भी जो इसी तरह से होल कर लेना, आप चाहे तो किसी भी चीज की मदद से होल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में बर्मा था, ड्रिल मशीन थी, मैंने उससे कर लिया है, आप चाहे किसी भी तरीके से होल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिलहाल मैंने आप जो काये को ले लिया है जिसको हम बोलते हैं आयरन, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल मैंने तीनों स्क्रू को यहाँ पे अच्छे तरीके से खोल लिया है, आपको भी इसी तरह से खोल लेना है। तो अब देखिए मैं यहाँ से खोलने वाला कुछ इस तरह से। ये देखिए फिलहाल हमारा जो आयरन है काफ़ी ज़्यादा पुराना है और मैंने इसको कबाड़ से उठाया था, आज इसकी मदद से हम बनाने वाले हैं काफ़ी अच्छा गीजर। ये देखिए तो यहाँ से फिलहाल मैंने इसको इस तरह से ले लिया। अब इसकी जो LED वगैरह है इसकी तो फिलहाल हमें कोई काम नहीं है, इसको तो हम सब कुछ जो है साइड से हटा देते हैं, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना। ये देखिए फिलहाल मैं सबको हटा दिया और यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको आराम से काट लेता हूँ, कहीं हमारी जो उसकी खुटी वगैरह ना फड़ जाए। तुमने यहाँ से देखिए देखिए LED को भी काट दिया, LED का हमारा कोई काम नहीं है और LED हम लगाने वाले हैं अलग बाद में हटके, ताकि यार हमारे ये जो गीजर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे दिखने में। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारा एक छोटा सा डाइबोर्ड है और ये दो खुटियाँ हमारी आयरन सोल्डर की, फिलहाल अब इस तरीके ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर इसको भी हम काट लेते हैं, इसकी जो वायरिंग हम लास्ट में करने वाले हैं। तो फिलहाल ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको निकाल दिया और यहाँ पर हमारा बचा एक डाइबोर्ड और दो लैग हमारे जिसमें हमारी वायर कनेक्शन होती है। तो फिलहाल ये है एक बिट, इस बिट का भी हमें कोई काम नहीं, तो इसको भी अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। और आपको यहाँ पे बस सारा कुछ जो है यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे हमें कोई गलती नहीं करनी है, अगर आपने जरा भी गलती कर दी तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर करना क्या है, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, यहाँ आपको दिखता होगा यहाँ पर हॉल है और इस हॉल को हमें बंद करना है, किस तरीके से करना है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपको हॉल दिखता होगा, ये इसके अंदर से अगर हम लोग इसको AC लगाते हैं तो हमारे एलिमेंट के अंदर जो पानी चला जाएगा हमारे गीजर के अंदर करंट आने लगेगा, इससे हमें एक अच्छा शॉक लग सकता है। तो आइए फिर क्या करना, हम इसको लगाने वाले हैं MC, अगर आप जो MC इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर RL लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर MC लगाने वाला हूँ और MC लगा के इसको छोड़ दूंगा ऐसी, ताकि यार जो हमारा ये जो इसके अंदर पानी ना जाए, एलिमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी लाइफ जो काफ़ी अच्छी बढ़ी रहे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पहले MC लगा के रख देता हूँ, जब तक ये हमारा सूखेगा तब तक हम आगे का काम करेंगे। आप लोगों को भी इसी तरह से यहाँ पर LP लगा के या MC लगा के रख देना है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह की होती है MC बॉन्ड टाइट, तो हम इसको MC का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या है कि ये गर्म होने के बाद छुटती नहीं, अगर उसको हम लोग LP वगैरह लगाते तो यहाँ पे LP या फिर कोई भी ग्लू लगाते वो छूट जाता, तो इसलिए हम इस पर MC का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस MC को लगा देते हैं, किस तरीके से लगाना आइए, तो आपको ये पता तो होगा किस तरीके से लगाते हैं। चलो फटाफट से मैं इसको पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, वरना वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल मैंने इसके अंदर से MC को लगा दिया। ये देखिए आपको शायद मैं कैमरे में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख सके, ये काफ़ी मैं जूम उसके ऊपर ले लेता हूँ। ये देखिए तो आपको अच्छे से दिख गया होगा ये किस तरह से MC लगाई मैंने, आपको भी सेम इसी तरह से लगा लेना है ताकि इसके अंदर जो पानी हमारा नहीं जाए, पूरा पूरा जो वाटर प्रूफ बने। तो चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रख देता हूँ सूखने के लिए, तब तक हम इसको क्या करते हैं इसके अंदर
टंकी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और टंकी लगाते हैं, किस तरह से टंकी बनाना है, तब तक हम इसकी बॉडी तैयार करते हैं तो हमारा एलिमेंट सूख जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने फिलहाल यहाँ पे एक सुराख कर दिया, यहाँ पे लगाने वाले हम इस पर टंकी को, जिससे हमारा पानी गर्म होने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा। तो किस तरीके टंकी बनाने वाले हैं, टंकी का भी इस्तेमाल जो है बड़े जुगाड़ से कर रहे हैं हम, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग देखोगे बोलोगे आरिस भाई वाकई यार आपने कमाल कर दिया, ये टंकी तो बड़े आसानी से कोई भी लगा लेगा, इसमें कोई ज़्यादा सिरदर्दी वाली काम नहीं है। वो फिलहाल टंकी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की टंकी है, आप देखिए। ये देखिए दोस्तों ये रही टंकी, वाह यार आप लोग भी बोलोगे आरिस भाई यार आपने तो कमाल कर दिया, आपने दिमाग लगा दिया यार टंकी कितनी अच्छी बनाई है। दोस्तों ये बनाई नहीं है, आप तो ये देख के समझ गए होगे हमारे किस चीज़ का, ये है आईवी सेट जो यार हमारे डॉक्टर की दुकान पे हमने इसको आराम से ले लिया, अब इसको लगाने वाले यहाँ पे सुराख कर लिया। ये देखिए इसमें कुछ इस तरह से, ये देखिए यार इसका लुक है ना एकदम कमाल का लगने वाला है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसका जो फाइनल लुक है वो गीजर का किस तरह से लगने वाला है, काफी कमाल का गीजर बनने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये दुनिया का सबसे छोटा गीजर है यार, काफी ज्यादा मजा आएगा। आप इस वीडियो लास्ट देखते रहे, बस थोड़ी सी वीडियो और है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला, मजा आएगा आपको। दोस्तों फिलहाल काफी देर की मेहनत के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो टंकी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो इसका जो टंकी का लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं ऊपर डालने वाला उसको पानी और ऊपर लगने वाला इसका एलिमेंट, और ये हमारी टंकी, यहाँ से हम इसको जैसे ऑन करेंगे ये हमारा जो पानी निकलने लगा यहाँ से कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल ये ऑफ हो जाएगी। तो चलो अब इसका एलिमेंट लगाते हैं और देखते हैं फिर इस तरह के फिलहाल जो है हमारा गीजर लास्ट में किस तरह का बनने वाला है। तो ये देखिए फिलहाल हमारा इतना जो रेडी हो चुका है, अब आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा लुक लग रहा है। तो चलो अब इसका एलिमेंट लगाते हैं, इसकी वायरिंग करते हैं, फिर आपको अच्छे समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों ये देखिए काफी देर के बाद फिलहाल हमने इसको जब देखा जाके ये भी हमारा एलिमेंट सूख चुका है, तो अब इस एलिमेंट को लगाने वाले इस तरह के ढक्कन के अंदर। ये देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था ये ढक्कन है, ये जो आपका साइज दिख रहा है इस साइज के हिसाब से ढक्कन को यहाँ पे सुराख कर लेना है इसका और बड़ा। तो चलो मैं इसको सुराख करता हूँ और उसको इस तरीके से फिट करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ उसमें किस तरह की वायरिंग होती है। ये हमारा डाइबोर्ड भी खराब हो चुका है तो कोई बात नहीं, इसमें हम नया लगा देंगे। तो चलो इसका सुराख बड़ा करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लास्ट में किस तरह का ये जो हमारा एलिमेंट कंप्लीट होने वाला है। देखिए काफी देर की मेहनत के बाद हमने अपने जो था डार्ट के अंदर एलिमेंट को काफी अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया, ये देखिए ग्लूगन की मदद से। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे आरिस भाई ये छेद किस लिए करें, तो मैं आपको बता दूं ये छेद हमने इसलिए करें, अगर हम इसको नहीं करते तो हमारा टूटी के अंदर से पानी नहीं निकलता। तो अब क्या इन छेदों का क्या काम है कि हमारे इन छेदों के मजे से जो एयर है वो हमारी हीटर के अंदर घुसेगी और टूटी के जरिए से बाहर निकलेगी, उसके जरिए से हमारा पानी जो आराम से निकल जाएगा। प्रॉपर चीज की वायरिंग करते हैं, और जो हमारा डायबोर्ड खराब हो चुका है उसको भी नया लगा देते हैं और इसकी वायरिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसकी वायरिंग को किस तरह से किया। बड़ा आसान सी बात है, सीधे हमें यहाँ पे बिजली के तार, एक तार यहाँ पे और एक तार डायबोर्ड के ऊपर लगा देना है, चाहे लाल यहाँ लगाए चाहे काला कोई से किसी में लगा देना, बड़े आसान तरीके से, बस सिंपल सा इसका काम है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप भी इसको आसानी से अपने घर पे वायरिंग कर लेंगे। तो चलो एक बार मैं वायरिंग करके फिर भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का सुराख कर लेना, और सुराख करते करते ये देखिए आपके भाई के हाथ में जो चोट लग गई है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, इस तरह के रिस्क तो होते रहते हैं, बाकी आप लोगों को ध्यान से करना। ये देखिए मेरे तो फिलहाल खून लगने लगा काफी ज्यादा, तो इसको मैं एक बार खून को साफ कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है इस तरह का आपको सुराख कर लेना है, ताकि इस तरीके हम ढक्कन को यहाँ पे आराम से कवर कर सकें। ये देखिए यहाँ से हम निकालने वाले वायर को, तो चलो अब इसको लगाता हूँ और वायरिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अपने खून भी एक बार साफ कर लूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मैंने काफी अच्छे तरीके से वायरिंग कर दिया, आप देख सकते हो कितनी सिंपल सी वायरिंग है। यहाँ पे देखिए सीधे मैंने यहाँ से डार्ट से वायर को निकाला और यहाँ पे सीधे ही एलिमेंट की खुटी में लाल वाले को लगा दिया, और यहाँ पे डाईबोर्ड को जो है खुटी के एलिमेंट की खुटी में लगा दिया, और डाईबोर्ड के लाल वाले को यहाँ पे काले वाले में लगा दिया। इतने सिंपल से कनेक्शन थे, अब करना क्या है कि इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से बंद करके और यहाँ पे ग्लूगन लगा देना है। तो चलो एक बार मैं इसको बंद कर लूँ, बाकी हमारा ये देखिए पूरा का पूरा जो हीटर है बन के रेडी हो चुका है, फिर इसी करने वाले टेस्टिंग। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ इसका जो पानी वो किस तरह से गर्म होता है मिनटों के अंदर। तो यहाँ पे हमने सब कुछ सेटअप पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, ये है हमारा एक मेनी छोटा गीजर, और ये रही हमारी बोतल। दोस्तों इसमें हम ठंडा पानी नल से ले आए, अब इसको डालने वाले गीजर के अंदर। ये देखिए फिलहाल यहाँ पे मैं गीजर के अंदर इस पानी को डाल देता हूँ और इसको भर देता हूँ फुल। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसमें पानी को डाल दिया, बस इतना काफ़ी होगा। ये देखिए दोस्तों, अरे 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 भाई 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 मैंने इसका स्विच तो बंद किया नहीं यार, हमारा मार पानी पानी हो गया। ये देखिए तो फिलहाल मैंने स्विच जो हमारा गीजर की जो टंकी थी वो चालू थी, और हमने फिलहाल टंकी को बंद कर दिया है, काफ़ी अच्छे से इसको मैं बंद कर लेता हूँ, अभी टपक रहा है, तो बस इतना काफ़ी है। तो फिलहाल पानी इसके अंदर भर गया, पानी भरने के बाद इसको रख देते हैं यहाँ प्यार से, और अब ये रहा स्विच है, उसको स्विच लगाते हैं बोर्ड में और फिर देखते हैं हमारा जो गीजर है वो पानी को कितनी देर में गर्म कर देता है। तो फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लगा दिया, अब हमारा जो गीजर है वो पानी गर्म करने के लिए रेडी है। तो आखिर इसका इंतजार करते हैं कब तक गर्म कर देगा पानी को। तो अभी हमारा गीजर जो इस टाइम चालू है और ये पानी गर्म इसके अंदर हो रहा है, तो अगर वेट करते हैं देखते हैं कब तक हमारा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, और ये हमने यहाँ पे देखिए बोर्ड में इसको लगा रखा है हमारा गीजर की लीटर ही, और इसको लगा दिया है। तो चलो इंतजार करते हैं कब तक ये हमारा पानी गर्म हो पाता है।
दोस्तों फिलहाल हमारा गीजर जो है अभी चालू है इस टाइम, और हमने इसको रख दिया टेयर के ऊपर ताकि यार हमारा जो यहाँ से पानी को आराम से निकाल सके। और ये देखिए हमारे पास में TTS मीटर है जिससे हम टेस्ट करेंगे कि ये पानी जो हमारा कितना गर्म है, नॉर्मल पानी कितना था और जो हमारा गीजर इस टाइम पानी गर्म कर रहा है वो कितना गर्म कर रहा है। तो चलो फिलहाल अभी तो ये पूरी तरीके से गर्म कर रहा है, अभी तो इसको नीचे छेड़ सकते हैं हम और ये देख रहे हैं कितनी देर में गर्म होगा। तो अभी बाकी तो ये रेडी है और ये हमारा स्टेम जो है ये 27 पे, ये हमारा नॉर्मल स्टेम, ठीक है। बाकी इसको देखते हैं हमारा पानी कितना ज्यादा गर्म कर सकता है हमारा ये मेनली छोटा गीजर। तो आप इस वीडियो में बने रहें, काफी ज्यादा मजा आएगा यार, ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हमारा गीजर जो इस टाइम पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर रहा है, फिलहाल इसमें आवाज आ रही है हल्की हल्की सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफी अच्छा गीजर है हमारा, यहाँ पे वाटर हीटर, यहाँ पे लगी वायरिंग और ये रहे हमारे गीजर। और इसको चौथी से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने इसको प्लग लगा रखा है और काफी मजे से एकदम पानी गर्म हो रहा है हमारा यार, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको बोलते हैं गीजर, वाह दोस्तों बनाओ तो कुछ ऐसा जो पब्लिक देखे। तो बाकी अभी इसको हम फिलहाल यहाँ पे मीटर जो नॉर्मल है अभी, बाकी हम आपको एक बार नॉर्मल पानी को और इस गीजर के पानी को टेस्ट करके दोनों को दिखा देंगे इस मीटर की मदद से कि कितना डिफरेंट आया हमारे छोटे से गीजर में। तो बस यहाँ पे हम निकालने वाले हैं अपने गीजर के अंदर से पानी। ये देखिए काफी गर्म है यार, खोल दो पूरा, खोल दो पूरा, खोलो पूरा पूरा पूरा, वो तेरी यार निकल जाओ, कम कम निकल जाए यार, काफ़ी ज़्यादा इसका पैप जो हमारा थोड़ा सा मुझे लगता है गर्म के चक्कर में पैप काफ़ी हमारा गर्म हो चुका हो। भाई भाई स्टार्ट हो गया और चल गया। ये देखिए और गाइस कितना तेज़ गर्म पानी है और गीजर हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल मैं इसको एक बार यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी कितना ज़्यादा गर्म है। ओ भाई ये तो लिमिट से ज़्यादा गर्म हो गया यार, मैंने सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा गर्म पानी हो जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ पूरी तरीके से कितना गर्म पानी है। मैंने इसको मीटर को यहाँ से डाल दिया है, ये देखिए कितनी तेजी से भाग रहा है, ये देखिए एकदम भाई साहब। तो फिलहाल इसमें यार जो हमें मजा नहीं आ रहा है तो इसको क्या काम करते हैं हम लोग, पूरा इसको डिब्बा निकालते हैं और पूरे डिब्बे के अंदर टेस्ट करते हैं। खोलो इसको, खोलो फटाफट से, मैं आपको इसके अंदर पूरा दिखाता हूँ कितना गर्म पानी है। डालो जल्दी फटाफट से इसके अंदर एक जना डालो इसको। ये देखिए अब आप देखो कितना तेज ये गर्म पानी करा इसने, ये देखिए गाइस चल रहे तो देखते हैं कितना गर्म पानी है। ओ भाई 51-55 और खतरनाक यार गाइस 58-62 ओ भाई 64, ये देखिए यार हमारा गीजर कितने ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए 70-72-73 भाई साहब इसने तो हद ही कर दी इतना ज़्यादा गर्म पानी, 76-77-78 ओ भाई कितना तेज़ गर्म पानी कर दिया इसने तो गीजर ने। गीजर है भाई ये छोटा सा आइटम है लेकिन यार है बहुत खतरनाक भैया, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा यार इसने 81-82 तक पहुंच गया, 82 डिग्री पानी गर्म बहुत ज़्यादा होता है यार ये, अगर किसी इंसान से कोई इंसान नहाएगा तो गाइस यार ये काफ़ी, ओ भाई इसको कहाँ तक मैं आपको दिखाऊँ, चलो देखते आखिर कब तक गर्म होता है ये। तो वैसे आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे लास्ट हमारा 83 डिग्री पानी गर्म हो चुका है, 83 डिग्री बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा नहाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इसको निकाल दो, मीटर निकालो बस। तो ये देखिए गाइस ये हमारा छोटा सा वाटर हीटर, ओ भाई ये तो अभी हाथ में लेने का बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलो अब इसको आपने देख ही लिया किस तरह से, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये हमारा गीजर आपको कैसा लगा, मिनी गीजर दुनिया का सबसे छोटा मिनी गीजर, ये देखिए एक तो यार ये गर्म बहुत हाथ में लेने का है। तो चलते हैं फटाफट से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नट हो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।